हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 होंडा एसपी 125 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। एंड गाइस, 2024 अपनी प्राइस है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, इंजन में पावर एंड टॉर्क, ओवरऑल डायमेंशन क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एंड ये क्या कॉस्ट करेगी आपको 2024 में, एंड 2024 में ये गाड़ी लेना आपके लिए कितना बढ़िया होगा, वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर हैं तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन मुझे पाने के लिए। एंड गाइस, अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, होंडा की कोई भी बाइक चाहिए, बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैम, बिना देरी के इस रिव्यू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले इसके की से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी की मिलती है जहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी एंड 2 फिजिकल कीज मिल जाती है। एंड गाइस, अगर बात करते हैं वेरिएंट कलर ऑप्शन एंड प्राइसिंग की, तो होंडा एसपी 125 ऑफर होती है अपने को 3 वेरिएंट में, जहाँ पे गाइस आती है ड्रम, डिक्स, स्पोर्ट्स एडिशन। स्पोर्ट एडिशन में कुछ ग्राफिक्स वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, बाकी टेक्निकली गाड़ी एकदम सेम होती है भाई। एंड सभी में प्राइस में डिफरेंस आपको 1.5 से 2 हज़ार का देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं होता है। एंड गाइस, अगर कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन ऑफर होते हैं एसपी 125 में, तो आपके पास काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, आप किसी पर भी जा सकते हो। आपके सामने खड़ी हुई मैट ब्लू विद व्हाइट ग्राफिक्स और काफ़ी शानदार ये भी कलर ऑप्शन लगती है, एंड रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी बढ़िया लगता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो एक बार इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं तो कुछ ऐसी ओवरऑल प्रोफाइल देखने को मिल जाती है भाई फ्रंट से। एंड गाइस, यहाँ पे आपको पूरा जो अपना फ्रंट का हेडलैम्प मिलता है ना, हेडलाइट आप बोलोगे, बिकॉज एलईडी सेटअप में पूरी लाइट्स आती हैं, ये गाइस आ रहे हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी सेटअप में स्प्लिट लाइट आती है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है अपना पास का स्विच, जो कि अपना भाई लो बीम है, ऊपर आपको हाई बीम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको होंडा की ग्राफिक्स मिल जाती है, ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिलेगा और काफ़ी 125 सीसी में एग्रेसिव लुक अपने एसपी 125 में निकल के आ जाता है। एंड ये आपके सामने 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल खड़ी हुई है, जहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे तो साइड पे आपको ग्राफिक्स व्हाइट एंड ग्रे कलर से मिल जाती है। टर्न सिग्नल आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में मिलेंगे। एंड लाइट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। एंड गाइस, इग्निशन ऑन करने पे इसकी लाइट्स ऑन हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और लुक में भी बढ़िया लगता है। अगर आप कहीं जैसे इसको ऑन करते हो तो प्रेजेंस बढ़िया आता है अपना। बाकी नीचे आप देखेंगे नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप आ जाती है। सस्पेंशन यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगी। सस्पेंशन पे यहाँ पे मिलेंगे आपको नॉर्मल फंक्शन रिफ्लेक्टर। फेंडर आपको डुअल कलर में मिलते हैं, जो कि बॉडी कलर पीछे ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ये डिस्क वेरियंट है, तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर होते हैं फ्रंट में। फ्रंट में डिस्क आता है, किसी भी वेरियंट में रियर में अपने को डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, सभी वेरियंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, वो स्टैंडर्ड फीचर है। बाकी गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अपने को 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। टायर प्रोफाइल को देखेंगे तो 80x100 सेक्शन टायर मिलते हैं विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। निफिन के कैलिपर्स आ रहे हैं और ब्रेकिंग सिस्टम ओवरऑल काफी बढ़िया है, सीबीएस को सपोर्ट करता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को। तो अगर आप पैनिक ब्रेकिंग में करते हो तो व्हीकल अपनी स्किड वगैरह नहीं होगी, काफी अच्छी तरीके से ब्रेकिंग को डिवाइड करके आगे पीछे वो अपना काम करता है। फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों ने पूरा देख लिया भाई, कुछ ग्राफिक्स भी इस पे मिल जाता है। हेड पे आप आते साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये गाइस इसके ओवरऑल अपनी लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो तो अपना ग्राफिक्स वगैरह अपने टैंक पे देखने को मिल जाता है। पूरा ही आपको बॉडी कलर टैंक मिलता है अपना मैट ब्लू, एंड कुछ ग्राफिक्स मिल जाती है। ये अपना जो पार्ट है फाइबर का मिलेगा, एंड टैंक आपको मेटालिक देखने को मिलता है। एंड होंडा की यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग, अगेन ग्राफिक्स, एंड ये जो अलग से पार्ट मिलता है ना, व्हीकल के लुक को काफ़ी बढ़िया एंड स्पोर्टी बना देता है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको एक क्रैश गार्ड देखने को मिलेगा, टैंक पे आपको ग्राफिक्स मिल जाती है ब्लैक एंड व्हाइट कलर से, ठीक लगती है। एंड इधर भी आपको कुछ काफ़ी बढ़िया से ग्राफिक्स मिलेगी। एंड गाइस, अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है अपनी एसपी 125 में, जहाँ पे गाइस आपको फ्यूल लोम मिलती है सीरो फिनिश में। E20 कंफर्टेबल इंजन है, बिकॉज गाइस ये अपनी लेटेस्ट मॉडल बाइक है 2024 की, जो कि एथेनॉल 20 को सपोर्ट करती है। तो जैसे ही फ्लेक्स फ्यूल आता है तो व्हीकल बिल्कुल रेडी होगी फ्लेक्स फ्यूल चलने के लिए। फ्लेक्सिबल फ्यूल मतलब वही गाइस, जिसमें आपको 20% अपना एथेनॉल मिलता है, 80% पेट्रोल। एंड यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी। MID स्विचेस की अभी हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं भाई, क्या यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती है अभी हम लोग बात करेंगे। साइड पैनल पे आपको एसपी 125 की ग्राफिक्स मिलती है, 3D स्पीकर नहीं है। एंड ये गाइस आती है भाई अपनी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, गियर लीवर्स मिलेंगे। होंडा का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाता है, एक प्लास्टिक का कवर मिलता है जो कि हीट को रिड्यूस करता है। ब्लैक कलर का पूरा इंजन मिलेगा, ये अपना पैनल देख रहे थे आप। रियर में अपने को मिल जाता है भाई अपना ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो कि रेड कलर में है। यहाँ पे आपको मिलेगा भाई अपना फुटरेस्ट, यहाँ पे विमेंस के लिए फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड। एंड ये चैन कवर आपको यहाँ पे आपको फाइबर का देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड आता है, डुअल स्टैंड आएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आता है। एंड गाइस, अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 100x80 सेक्शन टायर मिल जाता है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड गाइस, यहाँ पे आपको रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। एंड रियर टायर का जो साइज है वो अब थोड़ा सा पहले से बड़ा किया है, लॉन्चिंग में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला था, तो काफ़ी सारे लोग का कंप्लेन था भाई। सीट को देख रहे हैं तो फ्लैट सीट आती है, किसी भी वेरिएंट में स्प्लिट सीट नहीं
नहीं आते। यहाँ पे गाइस अगर कॉल पे देखेंगे तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर से आपको ग्राफिक्स मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रैब्रेल हैंडल स्प्लिट मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक अपने एसपी 125 का काफी बढ़िया निकल के आ जाता है। 2024 में काफी बढ़िया 125 सीसी में ये बाइक रहने वाली है, जिसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो। काफी अच्छे लुक, काफी अच्छे माइलेज, लो मेंटेनेंस, प्राइस में भी काफी बढ़िया है। बहुत ज्यादा आपको ये भाई प्राइस में भी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग रियर प्रोफाइल को देख लेते हैं, एक बार इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। एंड इग्निशन को ऑन करेंगे तो फ्रंट का लाइट एंड रियर का टेल लैम्प जलने लगता है भाई। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो तो अपना रिफ्लेक्टर भी हैलोजन सेटअप में लाइट मिलेगा, होंडा की ब्रांडिंग, टर्न सिग्नल भी हैलोजन मिलते हैं। यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, एंड ये अपना भाई फेंडर मिलता है जो कि ब्लैक कलर का आता है। इधर गाइस आपको ग्रिप काफी बढ़िया टायर की मिलती है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं 130mm के। एंड अगर बात करते हैं रियर टायर प्रोफाइल की तो 100x80 सेक्शन के आ रहा था, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। सस्पेंशन अपना एग्जॉस्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि भाई अपना ब्लैक कलर के साथ आता है। इसको ऑफ कर देते हैं, ब्लैक कलर से आता है, क्रोम कलर, क्रोम फिनिशिंग में मफलर मिलेगी, डेडिकेटेड फुट रेस्ट, यहाँ पे एसपी की ब्रांडिंग, एसपी 125 की ब्रांडिंग। यहाँ पे गाइस किक भी देखने को मिलता है, तो ये काफी बढ़िया बात है। अभी होंडा अपने एसपी 125 में किक कंटिन्यू रखी है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो किक काफी ज्यादा हेल्प करेगा भाई आपको व्हीकल को स्टार्ट करने में। यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिलेगा, क्रैश गार्ड, एंड अगेन जैसा आपको लेफ्ट साइड मिलता है वैसा ही राइट साइड मिलेगा। होंडा की 3D ब्रांडिंग, ग्राफिक्स वगैरह, काउल वगैरह देखने को मिलेगी। इधर आपको कुछ कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी, एसपी 125 की ब्रांडिंग, स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये था भाई अपने होंडा एसपी 125 का ओवरऑल वॉक अराउंड। अब इसके एमआईडी एंड स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ ऐसा एमआईडी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको फुली डिजिटल पूरी क्लस्टर मिलती है जो कि अपनी ब्लैक एंड व्हाइट है। जहाँ पे देखते हैं गाइस डिजिटल फ्यूल गेज, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियर टाइप गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, न्यूट्रल एंड और भी काफी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सेट के नाम से आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए। पूरी डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको, बढ़िया है भाई। फिजिकल की नोम होंडा की ब्रांडिंग। एंड स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, लेफ्ट साइड में आपको पीछे हाई बीम लो बीम पास का स्विच मिलेगा। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल एंड हॉर्न का स्विच मिल जाता है। सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको एमआईडी एंड स्विचेस वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं भाई अपने एसपी 125 में। एंड गाइस ये था भाई पूरा ओवरऑल वॉक अराउंड अपने एसपी 125 का, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, 2024 में कोई भी टेक्निकल यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, चाहे अगर आप ग्राफिक्स बात करोगे, इंजन स्पेसिफिकेशन, हर चीज सेम है, खाली प्राइस में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है एज इट इज, जो हमेशा होता है भाई। तो गाइस सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम लोग इसके इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड एफआई बीएस6 फेज 2 इंजन मिलता है, जहाँ पे मैक्स पावर 10.72 बीएचपी मिलती है 7500 आरपीएम पे, एंड 10.99 का टॉर्क मिलता है 6000 आरपीएम पे। अप्रॉक्स आपको 50-60 किलोमीटर तक की माइलेज दे देगी, एंड 100+ किलोमीटर तक की टॉप स्पीड निकाल के दे देगी। सो गाइस कुछ ऐसी इसकी यहाँ पे आपको ओवरऑल इंजन स्पेक्स देखने को मिल जाती है। एंड बात कर लेते हैं भाई इसके हम लोग डायमेंशन की, तो ओवरऑल जो लेंथ मिलती है भाई आपको एसपी 125 में वो मिल जाती है 2020mm की, विड्थ मिलती है आपको भाई 785mm की, ओवरऑल हाइट मिलेगी 1103mm की। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो भाई 160mm की काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, व्हील बेस आपको 1285mm की मिलेगी। एंड अगर देखते हैं सीट हाइट को तो गाइज यहाँ पे आपको 790mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, तो सीट हाइट में भी गाइज सही है अगर शॉर्ट राइडर में, वो भी इसको इजीली राइड कर लेंगे, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एंड गाइज उसी के बाद अगर कर्वेट की बात कर लेते हैं तो 116kg की इसकी आपको ओवरऑल कर्वेट देखने को मिल जाती है भाई, वेट में भी हैवियर नहीं है, इजिली कोई भी राइड कर लेगा, दिक्कत उनको नहीं होगी। सो गाइस ये थी भाई अपनी 2024 एसपी 125 की ओवरऑल वॉक अराउंड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पावर एंड टॉर्क, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सही मिलती है अपनी 11.2 लीटर की। सबसे बढ़िया चीज़ 125 सीसी में यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है, फुली डिजिटल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई अपना एमआईडी, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी गाइस अप्रॉक्स ये आपको 113,000 तक 2024 में ऑन रोड कॉस्ट करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए इसको सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी से भी छपाने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।